हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड रीजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड ऑन द इकोनॉमी. एज यू नो वेरी वेल, द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड बोथ आर हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द economy. They hamper the economic growth by giving rise to trade cycle. So it is very important to take measures to control excess demand and deficient demand. In this video we will understand the measures to correct deficient demand and excess demand. The problem of excess demand and deficient demand occurs when current aggregate demand is more or less than the aggregate demand required for full employment equilibrium. जो हमें full employment equilibrium पर demand चाहिए, क्या तो demand उससे ज़्यादा है या फिर demand उससे कम है. इसी वजह से economy में deficient demand या फिर excess demand की situation है. These problems can be solved by bringing a change in the level of aggregate demand in the economy. Demand का level ज़्यादा है या कम है तो problem solve कैसे होगी. Demand के level को जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर अगर हम ले आएंगे तो हमारी problem solve हो जाएगी. So इन्हीं जो हमारी demand है उसी के level को हम correct करने के लिए measures को पढ़ेंगे, fiscal policy and monetary policy. फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो करेक्ट करती है डिमांड के लेवल को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. क्या होती है? गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है. और वी कैन से रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. और इसे क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट की रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी बोलते हैं. टू करेक्ट द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी विद अ व्यू टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है तो अपनी फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करती है ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके विद स्टेबिलिटी, मीन्स फ्लक्चुएशंस जो है वो मिनिमम रहें. ठीक है, तो इसको हमें समझना है फिस्कल पॉलिसी को. सबसे पहले ये बात समझने की फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसको हम बजटरी पॉलिसी और रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी भी बोलते हैं. गवर्नमेंट इस पॉलिसी का यूज़ कब करती है? जब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करना होता है. ठीक है, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके? ग्रोथ कर सके विद स्टेबिलिटी के साथ. ठीक है, अब हमें समझना है क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फिस्कल पॉलिसी के. तो कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहले है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट इज टैक्सेस, नेक्स्ट इज पब्लिक बोरोविंग और पब्लिक डेट, एंड फोर्थ इज बोरोविंग फ्रॉम RBI. सो वी विल अंडरस्टैंड दीज मेजर्स वन बाई वन. सो आवर फर्स्ट मेजर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. Government expenditure is an important component of aggregate demand. This measure is a part of fiscal policy and is termed as expenditure policy of the government. जो fiscal policy का part होता है government expenditure, और इसको हम क्या बोलते हैं? Expenditure policy of the government बोलते हैं. Government spends huge amount on public works like construction of roads, flyovers, building railway line, etc. Government spend on education, defense, public welfare programs, various types of subsidies to the producer with a view to encourage production. Government क्या करती है? Government बहुत सारा पैसा खर्च करती है. जब गवर्नमेंट रोड बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, बिल्डिंग्स रेलवे लाइन बनाती है, या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है. जो गवर्नमेंट
कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा खर्च करती है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट एजुकेशन, डिफेंस पे, पब्लिक वेलफेयर पे खर्चा कर रही है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को, तो चेंज इन सच एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इफेक्ट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट इन एक्सपेंडिचर्स को कम कर देती है या बढ़ा देती है तो उससे क्या होता है, जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट एक्सपेंडिचर टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। जितना गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकती है गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना चाहिए। मोर एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड अनप्रोडक्टिव वर्क्स एज दे रेयरली हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, फिर अनप्रोडक्टिव वर्क के ऊपर एक्सपेंडिचर अगर कर रही है तो गवर्नमेंट उन एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर सकती है क्योंकि वो कंट्री की ग्रोथ में डायरेक्टली इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, तो क्या होगा अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन रहेगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन एक्सेस डिमांड, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, मीन्स विड्रॉल हो गया, विड्रॉल। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विडिटी नीड्स टू बी सॉल्व टू कम्बैट इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेगी जिससे क्या होगा, लिक्विडिटी जो है वो सॉल्व्ड होगी, लिक्विडिटी जो है वो कम हो जाएगी जिससे इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल होगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंट डिमांड, जब होगी इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट क्या करेगी अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी तो उससे क्या होगा, उससे जो लिक्विडिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी इकोनॉमी में जिससे डिमांड का लेवल इंक्रीज होगा। तो बेटा हमें ये चीज़ समझनी है, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती है, और जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने कहा गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंडिचर करती है तो उससे क्या होता है, फर्दर इकोनॉमी में जो पीपल्स लगे हुए हैं उस काम को करने के लिए उनकी इनकम जनरेट हो रही है, तो उनकी इनकम जनरेट हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमी में गवर्नमेंट के थ्रू मनी का सर्कुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ पर आ रहा है, इकोनॉमी में आ रहा है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो क्या होगा, इंजेक्शन होंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में, जो मनी का सर्कुलेशन है वो, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, विड्रॉल बोलेंगे, जिससे सर्कुलेशन घटेगा, मनी में जो मनी सर्कुलेशन में है सप्लाई ऑफ मनी जो है वो घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है फिस्कल पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करके या फिर इंक्रीज करके जो इकोनॉमी में डिमांड का जो रिक्वायर्ड लेवल है उस पर वापिस आने की कोशिश करती है, और वी कैन से एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करती है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज चेंज इन टैक्सेस। टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू का मेन सोर्स है वो क्या है, टैक्स है। दिस मेजर इज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी एंड इज टर्म एज रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी का ही मेजर होता है, और गवर्नमेंट को रिवेन्यू होती है तो इसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इम्पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन द पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज करती है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिसके ऊपर इम्पोज होते हैं, उसी को पे करने होते हैं, उसकी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो इम्पोज किसी और के ऊपर होते हैं, और उसका बर्डन किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया, इनकम टैक्स आ गया, जिसके ऊपर इम्पोज किया गया उसी को पे करना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया,
जीएसटी है। जीएसटी क्या होती है? अप्लाई किसी और के ऊपर होती है, पे किसी और को करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्या होता है? बर्डन किसी दूसरे के ऊपर होता है। जब गवर्नमेंट चेंजेस इन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट टैक्सेस को चेंज करती है तो क्या होगा? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें इंक्रीज द टैक्स बर्डन, अगर गवर्नमेंट टैक्स बर्डन को इंक्रीज कर देगी, ठीक है, या फिर लोअरिंग द टैक्स बर्डन, या फिर गवर्नमेंट टैक्स के बर्डन को डिक्रीज कर देगी, इससे क्या होगा? इफेक्ट होगा डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करने वाली इनकम जो होती है वो क्या होती है? डिस्पोजेबल इनकम होती है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जिससे क्या होगा? डिमांड का लेवल क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। अगर एक्सेस डिमांड है तो वो कम आ जाएगी, और अगर टैक्स बर्डन अगर घटा दिया जाएगा तो अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो वो ऊपर चली जाएगी, जो रिक्वायर्ड लेवल है वहाँ पे पहुँच जाएगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? इंक्रीज द टैक्स बर्डन, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस। लोअरिंग द टैक्स बर्डन, एग्रीगेट डिमांड रेज्ड। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और टैक्स जो है, टैक्स लगने से कौन सी इनकम के ऊपर इफेक्ट होता है? डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर इफेक्ट होता है। देन इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस को बढ़ा के घटा के भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट जो डिमांड के लेवल है उसको करेक्ट कर सकती है। जो भी हमारे पास सिचुएशन है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, उन सिचुएशंस को गवर्नमेंट सही कर सकती है। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज पब्लिक बोरोविंग। गवर्नमेंट बोरोस मनी फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से ना पैसा उधार लेती है, बोरो करती है, उसको हम बोलते गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज फॉर बोरोविंग मनी। जब गवर्नमेंट बोरोविंग लेती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। सो वी विल अंडरस्टैंड वट विल बी डन बाई द गवर्नमेंट इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशियंट डिमांड। वेन देर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करेगी? बोरो करेगी पब्लिक से टू विदड्रॉ एक्सेस मनी हेल्ड बाय देम। जो भी लोगों के पास एक्सेस मनी है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट हुई है उसको क्या कर लेगी? मनी, उस मनी को गवर्नमेंट बोरो कर लेगी। उससे क्या होगा? रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट क्या कर देगी? बोरो करके जो भी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में उसको रिड्यूस कर देगी, जिससे क्या होगा? डिमांड का लेवल जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। तो क्या कहा? एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द पब्लिक टू विदड्रॉ एक्सेस मनी हेल्ड बाय देम टू रिड्यूस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एंड इन द केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स बोरोविंग फ्रॉम द पब्लिक। गवर्नमेंट क्या करेगी? कम लेगी, बोरोविंग नहीं करेगी पब्लिक से। इससे क्या होगा? पीपल आर लेफ्ट विद ग्रेटर लिक्विडिटी। जिससे क्या होगा? लोगों के पास ग्रेटर लिक्विडिटी रहेगी तो क्या होगा? लोग डिमांड ज़्यादा कर पाएंगे, जिससे डेफिशिएंट डिमांड का जो लेवल है वो करेक्ट हो जाएगा। जब गवर्नमेंट लोगों से बोरोइंग लेगी उससे क्या होगा? इकोनॉमी में जो मनी का सर्कुलेशन है और वी कैन से जो मनी हेल्ड बाय द पीपल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर रिड्यूस होगी। और अगर गवर्नमेंट बोरोविंग को रिड्यूस कर देती है तो लोगों के पास लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी, मनी हेल्ड बाय द पीपल ज़्यादा रहेगी, जिससे क्या रहेगा? उनके पास ग्रेटर लिक्विडिटी रहेगी। तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट का, ताकि गवर्नमेंट लोगों की परचेजिंग पावर को इफेक्ट करके डिमांड के लेवल को करेक्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंट फाइनेंसिंग और बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। क्या होता है? देखो, जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की रिवेन्यू कम होती है तो गवर्नमेंट को बजट में घाटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं
डेफिशिएंट बजट, ठीक है। जब गवर्नमेंट को घाटा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई को करेंसी इशू करने के लिए कहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। देखो, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जब आरबीआई जो है करेंसी को प्रिंट करेगा, उससे क्या होगा, मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। तो यही समझना है कि जब डेफिशिएंट फाइनेंसिंग अगर होगी, जब गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर देती है कि आप न्यू करेंसी इशू कीजिए, तो उससे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड जो है वो किस तरीके से इम्पेक्टेड होगी। देखो, अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, देन गवर्नमेंट अवॉइड्स डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट डेफिशिएंट फाइनेंसिंग नहीं करेगी, उससे क्या होगा, प्रिवेंट इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जिससे मनी सप्लाई जो है वो जो इंक्रीज हो रखी है वो कम हो सके, ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड अगर रहेगी, इस केस में क्या होगा, एडिशनल डोजेज ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग करेगी, जिससे क्या हो, जो मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। क्योंकि इस सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में, गवर्नमेंट एम्स टू इंक्रीज इट्स लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर के लेवल को इंक्रीज करना चाहती है, इसलिए क्या होगा, एडिशनल डोजेज ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर देती है कि आप क्या करें, आप मनी इशू करें, न्यू करेंसी इशू करें, जिसके बदले में जो गवर्नमेंट है आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखती है, तो एक्सेस डिमांड जब रहेगी इकोनॉमी में, तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को गवर्नमेंट के द्वारा अवॉइड किया जाएगा, और जब डेफिशिएंट डिमांड रहेगी तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को कराया जाएगा, ताकि मनी की सप्लाई जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो उसके, जिसके वजह से हम एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। नाउ वी विल अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई इज एम्पावर्ड टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट जो आरबीआई जो है वो क्या करता है, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करता है, किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। इट इज पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी जो कंट्री होती है उसका जो सेंट्रल बैंक जो होता है, उसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो लागू की जाती है, अडॉप्ट की जाती है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई, ताकि क्रेडिट कंट्रोल जो है उस पर उसको डायरेक्ट किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड थ्रू इट्स फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके थ्रू सेंट्रल बैंक जो होता है वो एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये सब जो है हम अपने चैप्टर 5th में, जो हमारा चैप्टर है कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बारे में हमने पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट में हम इन सब को पढ़ चुके हैं। अब हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं उन चीज़ों को, ताकि हम उन सब चीज़ों की कनेक्टिविटी बना सके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। सो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट्स एम्स टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन सर्कुलेशन। ये क्या होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो भी क्रेडिट जो है इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए इम्प्लीमेंट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स और मेजर्स आर क्या क्या होते हैं, देखो आप लोगों ने पढ़ा था बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट था बेटा हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दीज इंस्ट्रूमेंट्स एम टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। ये क्या करते हैं, जो भी क्रेडिट की डायरेक्शन है
उसमें चेंज करते हैं, मीन्स ये सिलेक्टिव सेक्टर्स को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसके मेजर्स क्या थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है। सबसे पहले रेपो रेट एंड बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। जब रेपो रेट जो होती है वो क्या होती है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है ताकि उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को कवर अप किया जा सके। और बैंक रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स। जो बैंक रेट होती है वो लॉन्ग टर्म नीड्स को कवर अप करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, रेपो रेट एंड बैंक रेट, जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड बाई RBI। बैंक रेट और रेपो रेट जो है इंक्रीज कर दी जाएंगे RBI के द्वारा जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। ठीक है, बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड बाई RBI ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एज अ फॉलो अप एक्शन। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रेज्ड बाई द कमर्शियल बैंक। अगर बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा दी जाएंगे RBI के द्वारा, इसका मतलब कमर्शियल बैंक के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको रेज करेगा, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग राइजेस। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, इट लोवर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट लेंडिंग टू अ कट इन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। जिससे क्या होगा, क्रेडिट लेंडिंग कम होगी, लोग लोन की डिमांड कम करेंगे, जिससे कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इम्प्लाइंग अ कट इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट ही तो होती है। जब ये दोनों घट जाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी एज डिजायर टू कर्व एक्सेस डिमांड। इससे क्या होगा, जो आपकी एक्सेस डिमांड है और वी कैन से इन्फ्लेशनरी जो गैप है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, बैंक रेट एंड रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। एंड बैंक रेट एंड रेपो रेट आर लोअर्ड इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में बैंक रेट एंड रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज इंक्रीज्ड। जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है वो कम होगी एंड जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, जिससे डिमांड का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, ये था आपका बैंक रेट एंड रेपो रेट। अब है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करता है। इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जब सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में सेल या परचेज किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो भी मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जब होगी तो क्या होगा, सेंट्रल बैंक ऑफर्स सिक्योरिटी फॉर सेल। क्या करेगा, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को ऑफर करेगा बेचने के लिए। ठीक है, सेल ऑफ सिक्योरिटी से क्या होगा, रिड्यूसेस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स घटेंगे, जिससे क्या होगा, एडवर्सली अफेक्ट द बैंक एबिलिटी टू क्रेडिट क्रिएट क्रेडिट। जिससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक है उनके क्रेडिट क्रिएशन की एबिलिटी जो है वो रिड्यूस होगी। दिस विल
डिक्रीजेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा, जिससे एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। मीन्स जब एक्सेस डिमांड होगी तब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल करेगा, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल करेगा तो मनी जो है मनी उसका सर्कुलेशन कहाँ हो गया, इकोनॉमी से आरबीआई की साइड हो गया। इसका मतलब जो मनी की सप्लाई जो है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो गई, जिससे क्या होगा, डिमांड का लेवल क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड। जब डेफिशिएंट डिमांड होगी तो उससे उल्टा होगा, मीन्स सिक्योरिटी आर परचेज्ड टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। क्या होगा, जो सिक्योरिटी जो है वो परचेज कर ली जाएंगी बाई आरबीआई, आरबीआई जो वो सिक्योरिटी को परचेज करेगा, जिससे क्या होगा, मनी कहाँ आएगी, इकोनॉमी में आएगी। ठीक है, और वी कैन से द बैंक्स आर लेफ्ट विद मोर कैश फॉर क्रेडिट क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। इससे क्या होगा, बैंक्स के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा कैश रहेगा, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा ज़्यादा एबिलिटी रहेगी उनके पास क्रेडिट क्रिएट करने की, जिससे लोगों की लोन लेने की जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहेगी, जिससे डेफिशिएंट डिमांड ठीक हो जाएगी। तो हमने कहा बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो क्या होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। तो एक्सेस डिमांड जब होगा, जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी को सेल करेगा, और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में सिक्योरिटी को परचेज करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है उसके ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकेगा बाय आरबीआई। नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स टू ऑब्लाइज टू मेंटेन लीगल रिजर्व। आपको पता है कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनको एक लीगल रिजर्व मेंटेन करना जरूरी होता है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अंडर कमर्शियल बैंक्स को काम करना होता है। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन सच रिजर्व्स इज अ डायरेक्ट मेथड टू रिड्यूस एंड रेज द एबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जब ये जो रिजर्व्स हैं ये इंक्रीज या डिक्रीज किए जाएंगे तो जो एबिलिटी ऑफ क्रेडिट है वो भी घटिया बढ़ जाएगी। देर आर टू वेरियंट्स ऑफ लीगल रिजर्व, टू वेरियंट्स होते हैं, फर्स्ट इज CRR एंड सेकेंड इज SLR। आप लोग पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज टू कैप्ड बाई कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक। जो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जो मिनिमम परसेंटेज जो है वो मेंटेन करके रखनी होती है, दैट इज CRR। एंड SLR इज स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। जो रिजर्व उनको अपने पास रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए क्या हो गया, द सेंट्रल बैंक इंक्रीज CRR एंड SLR। जब सेंट्रल बैंक CRR एंड SLR को इंक्रीज कर देगा दैन इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कैश रिसोर्सेज ऑफ कमर्शियल बैंक। इससे क्या होगा, जो भी कमर्शियल बैंक के पास रिसोर्सेज हैं, कैश रिसोर्सेज हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, एंड लिमिट्स देयर कैश क्रिएटिंग पावर। इससे क्या होगा, उनकी जो कैश क्रिएटिंग पावर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी। इट अल्टीमेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन द इकोनॉमी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी में क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि CRR और SLR जो है वो नॉन ऑपरेटिंग कैश होता है। अगर RBI ने CRR और SLR को इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब कमर्शियल बैंक का बहुत सारा पैसा तो नॉन ऑपरेटिंग हो गया, तो ऑपरेटिंग जो पैसा है उसी से क्रेडिट क्रिएशन होता है, वो कम हो गया तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो गया, जिससे लोन कम दे पाएंगे लोगों को, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी, मीन्स इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घटेगी, जिससे एक्सेस डिमांड के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा करें, मीन्स जब डेफिशिएंट डिमांड रहेगी तब वो क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है वो CRR एंड SLR को डिक्रीज कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंक जो है वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सके,
ताकि डिमांड के लेवल को इंक्रीज किया जा सके, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। अब हम पढ़ते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। फर्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप सब बच्चों को पता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंड। मतलब आपने कितनी सिक्योरिटी रखी और बैंक ने आपको कितना लोन दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने सिक्योरिटी रखी 1 लाख रुपीज़ की एंड बैंक ने आपको लोन दिया 70,000 का, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है मीन्स 1 लाख माइनस 70,000 दिस इज 30,000। जो 30,000 दिस इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, अगर एक्सेस डिमांड है सेंट्रल बैंक इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या करेगा, सेंट्रल बैंक जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है 30,000 से 50,000 कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे 30,000 से 50,000 कर दिया, देन क्या होगा, विच रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंक। जिससे क्या होगा, बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बोरोवर्स फाइंड इट लेस अट्रैक्टिव टू बोरो मनी, तो इससे क्या होगा, बोरोवर्स जो है वो लेस अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनको ये लगेगा सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है, लोन कम मिलता है, जिससे क्या होगा वो कम लोन लेंगे। दिस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड के लेवल को कम कर देगा। और ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज लॉवर्ड, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो आरबीआई के द्वारा कम कर दी जाएगी टू रेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ताकि क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो सके, ताकि जो डिमांड कम है लेवल से उसको बढ़ाया जा सके। नाउ मॉरल सेजन, मॉरल सेजन मीन्स एडवाइज टू डिस्करेज इंकरेज लेंडिंग। आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को एडवाइज करती है कि लेंडिंग को डिस्करेज करना है या फिर इंकरेज करना है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परसेजन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन अ मैनर इन लाइन विद इट्स पॉलिसी। जो भी आरबीआई की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स को काम करना है, इसके लिए आरबीआई उनको प्रोत्साहन भी देती है और उनके ऊपर प्रेशर भी बनाती है। ठीक है, ताकि क्या उसके जो भी आरबीआई ने पॉलिसी अप्लाई की है वो प्रॉपरली इकोनॉमी में इम्प्लीमेंट हो सके। तो मॉरल सेजन इज एक्सरसाइज थ्रू डिस्कशन, जो मॉरल सेजन होता है बेटा वो कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, डिस्कशन लेटर्स स्पीचेस एंड हिंट्स टू बैंक्स। बैंक्स के साथ डिस्कशन किया जाता है, उनको लेटर लिखा जाता है, उनको स्पीच बाय स्पीच आरबीआई उनको मोटिवेट करती है या प्रेशर में लेके आती है। ठीक है, हिंट देती है कि ऐसे काम करना है। तो ये क्या होती है, मॉरल सेजन होती है, जिसमें आरबीआई जो है वो एडवाइज करती है कमर्शियल बैंक्स को लेंडिंग के लिए कि उनको डिस्करेज करती है या फिर इंकरेज करती है। नाउ ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड अगर है देन सेंट्रल बैंक एडवाइजेस रिक्वेस्ट एंड प्रेश्योर द कमर्शियल बैंक्स नोट टू एडवांस क्रेडिट फॉर स्पेकुलेटिव और नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज़। उस सिचुएशन में जब एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है कि वो जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए जो लोग लोन लेते हैं या फिर नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के लिए लोन लेते हैं उनको वो क्या करें, ना दे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड एग्रीगेट डिमांड। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सेस जो है उस पर कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस, जब डेफिशिएंट डिमांड होती है तब सेंट्रल बैंक एडवाइज करता है रिक्वेस्ट और प्रेशर द कमर्शियल बैंक्स टू इंकरेज क्रेडिट, इट हेल्प्स टू रेज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड एग्रीगेट डिमांड। जब डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है तो सेंट्रल बैंक
कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है, रिक्वेस्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा क्रेडिट दे लोगों को, ताकि जो डिमांड का लेवल है वो इंक्रीज हो सके। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, और वी कैन से रिड्यूस एंड विड्रॉल क्रेडिट रेशनिंग। जब क्रेडिट रेशनिंग की जाती है, क्या होता है, जब एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होती है, उस सिचुएशन में आरबीआई के द्वारा एक क्रेडिट रेशनिंग की जाती है, क्रेडिट का एक कोटा, एक लिमिट निर्धारित की जाती है। तो देखो, इट रेफर्स टू द मेथड इन विच द सेंट्रल बैंक गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। इसमें जो है सेंट्रल बैंक जो है वो डायरेक्शन देता है अदर बैंक्स को कि उन्हें लोन देना है या नहीं देना है, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं उनको, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक लिमिट निर्धारित की जाती है, एक कोटा निर्धारित किया जाता है कि किन पर्टिकुलर सेक्टर्स को कितना लोन देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड अगर है, द सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूसेस रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट। जब एक्सेस डिमांड है तो क्या किया जाएगा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो इकोनॉमी में एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके, पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, जो सट्टेबाजी वगैरह के रिलेटेड एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। इट हेल्प्स टू वाइप ऑफ द एक्सेस डिमांड। इससे क्या होगा, जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग डेफिशियंट डिमांड द सेंट्रल बैंक विथड्रॉ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। जब डेफिशियंट डिमांड है तो ऑलरेडी डेफिशियंट डिमांड है तो क्या होगा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट को विथड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। एंड मेक एफर्ट्स टू इंकरेज क्रेडिट, और क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बेटा कि जब एक्सेस डिमांड है तो क्रेडिट की लिमिट को घटाया जाएगा, और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो क्रेडिट की लिमिट को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मीन्स जब एक्सेस डिमांड है तो लोगों को लोन कम दिया जाएगा, जो भी पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं उनकी लोन की जो लिमिट है उसको घटा दिया जाएगा, ताकि एक्सेस डिमांड पे कंट्रोल हो सके। और जब डेफिशिएंट डिमांड है तो जो लोन की अमाउंट जो है वो उसको बढ़ा दिया जाएगा, ताकि जो डिमांड का जो लेवल कम आ गया उसको करेक्ट किया जा सके। सो बेटा, इन लास्ट मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड क्या पढ़े हमने, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है इकोनॉमी पे, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी विच इज ऑपरेटेड बाई सेंट्रल बैंक, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। देखो, फिस्कल पॉलिसी में बेटा, अगर हम हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें कुछ एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे जो है फिस्कल पॉलिसी में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस। जब फिस्कल पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए, तो एक्सेस डिमांड ऑलरेडी मार्केट में है तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी, सो डिक्रीजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन टैक्सेस, और टैक्स को बढ़ाया जाएगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, बैंक रेट, रेपो रेट, इनको बढ़ाया जाएगा, LRR को भी बढ़ाया जाएगा, और सिक्योरिटी को सेल किया जाएगा सेंट्रल बैंक के द्वारा ओपन मार्केट में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाएगा, एंड जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को एडवाइज करेगा लेंडिंग को डिस्करेज करने के लिए, ठीक है। और जो एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में क्रेडिट रेशनिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एंड डेफिशिएंट डिमांड के केस में सब रिवर्स,
मीन्स फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, टैक्सेस डिक्रीज होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें बैंक रेट डिक्रीज होगी, रेपो रेट डिक्रीज होगी, LRR डिक्रीज होगा। सेंट्रल बैंक के द्वारा सिक्योरिटी को परचेज किया जाएगा ताकि मनी की सप्लाई बढ़ाई जा सके। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाएगा, बैंक एडवाइज करेगा कमर्शियल बैंक्स को इंकरेज करने के लिए लेंडिंग को, ठीक है। और जो क्रेडिट रेशनिंग है उसको विथड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, ताकि डिमांड के लेवल को इंक्रीज किया जा सके। एट द एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। ये पॉलिसी RBI के द्वारा इंडिया में और वी कैन से अदर कंट्री में सेंट्रल बैंक के द्वारा अपनाई जाती है, जिसका टारगेट क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल करना। फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अडोप्ट की जाती है ताकि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज प्रेश्योर्ड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, मीन्स इन इंडिया RBI और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई बेटा, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। और फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या टूल्स हो गए, एक्सपेंडिचर पॉलिसी, रिवेन्यू पॉलिसी, पब्लिक बोरोविंग एंड डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, ओके। तो ये था बेटा आपका यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ और है, 3-सेक्टर इकोनॉमी क्या होता है। आप लोगों को बताया गया था कि हमने पूरा 2-सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ा है, अगर गवर्नमेंट और आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3-सेक्टर इकोनॉमी के कंपोनेंट में AD में क्या आ जाएगा, C+I+G हो जाएगा, ठीक है। तो जी में क्या होता है, गवर्नमेंट के कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोथ आर इंक्लूडेड। अगर हम AD की बात करते हैं C+I करके, तो ये AD हो गई, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगी, AD का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज AG1, दिस इज C+I+G। तो डेफिशिएंट डिमांड अगर है तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो गवर्नमेंट नीड्स टू यूज इट्स फिस्कल मेजर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। और अगर हम बात करते एक्सेस डिमांड की तो क्या होगा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करेगी ताकि इन्फ्लेशनरी गैप को रिमूव किया जा सके। ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं बेटा, कुछ भी नया नहीं है इसमें। हमने जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि एक्सेस डिमांड के केस में क्या किया जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कैसे क्या करेगी, ठीक है। ये थी आपकी चैप्टर 9। तो आप आज कंप्लीट इस चैप्टर को करेंगे, नोट्स बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डाउट्स लेंगे। Thank you for watching.